चौरे रेलवे लाइन के निर्माण में काम करने वाले शहडोल के मजदूरों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर डेरा डाला और बकाया मजदूरी न मिलने की शिकायत की। इसकी जानकारी लगते ही तहसीलदार ने परासिया एसडीएम से चर्चा की और चांदामेटा के ठेकेदार शफीक पठान से मध्यान्ह 4 बजे तक मजदूरी भुगतान करने को कहा। इसके साथ ही ठेकेदार पर FIR करने की चेतावनी भी दी। मजदूरों के साथ आए रामफल ने बताया कि शहडोल जिले से आए 28 मजदूरों ने रेलवे लाइन निर्माण में मटका, हांडी, शिवपुरी, छिंदवाड़ा और चोरे में केबल डालने नाली खोदी थी। उन्होंने 80 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से काम का ठेका लिया था। 5 किलोमीटर के दायरे में 73 मीटर का काम पूरा किया। इस दौरान उन्हें संबंधित ठेकेदार ने 1.5 लाख रुपए का भुगतान किया और 5,35,000 रुपए और लेना शेष है। इसके भुगतान के लिए ठेकेदार द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा है। महिला मजदूरों ने बताया कि शहडोल में रहने के कारण दीपावली में उन्हें अपने घर पहुंचना है, लेकिन मजदूरी का भुगतान न होने के कारण नहीं पहुंच पा रही है। प्रशासन से मजदूरी का भुगतान कराने की मांग कर रही है। जब तक मजदूरी भुगतान नहीं होगा तब तक वह कलेक्ट्रेट में डेरा डाले रहेगी। कलेक्ट्रेट में मौजूद तहसीलदार अजय भूषण शुक्ला ने बताया कि यह मजदूर शहडोल जिले के हैं। उन्हें मजदूरी भुगतान नहीं किया गया है। उनके द्वारा परासिया SDM से चर्चा कर सांदामेटा के ठेकेदार शरीफ पठान को कॉल किया गया। वह इस समय नागपुर में है। उसे तुरंत छिंदवाड़ा आने को कहा गया। इसके बाद मजदूरों की समस्या का समाधान किया जाएगा। फिलहाल उनके खाने पीने का इंतजाम भी किया जा रहा है। इनकी पूरी शिकायत ध्यान से सुनी गई है और माननीय SDM महोदय परासिया से भी संवाद किया गया और उनसे उनकी बात भी करवाई। और जो आरोपी है सतीश पठान, जिससे ये मजदूरी चाह रहे हैं, क्योंकि उससे बात की है, मैंने भी की है और SDM साहब ने भी की है। उसको बोला गया, वो अभी नागपुर में है, उसने बोला है कि वो 2-3 घंटे में यहाँ पहुँच जाएगा। उनको इसके साथ बिठाल के इनकी जो समस्या है उसका हल करा। किस चीज़ का काम करें सर इन्होंने? इनके द्वारा जो बताया जा रहा है, नाली निर्माण वगैरह जो है, उनकी जो मजदूरी के कार्य हैं उनमें इनने काम किया है, 3-4 महीने काम किया है और मजदूरी को लेकर इनकी शिकायतें हैं। तो जिस व्यक्ति को लेकर शिकायत है उसको बुलाया गया है और इनको भी शांति से एक जगह व्यवस्थित बिठाल दिया गया है, भोजन पानी की व्यवस्था भी। BCN News के लिए छिंदवाड़ा से चंद्रशेखर शुक्रवार की रिपोर्ट।